दोस्तों आज हम बात करेंगे रियलमी स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में। जी हाँ, रियलमी, ना कि रेडमी, क्योंकि रियलमी ने अपना एक आज एक फोन जो रियलमी 1 है, जिसका नाम जो कि एक अच्छा फोन है, उसे लॉन्च कर दिया है। लेकिन ये जो रियलमी कंपनी है, ये आखिर है क्या? जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते, ये एक कंपनी है जो कि ओप्पो कंपनी की एक सब ब्रांड है, यानी कि ओप्पो का ही एक सब ब्रांड है जो कि है रियलमी। यानी कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है ओप्पो और इसके नीचे जो कंपनी आती है वो है रियलमी। और हाल ही में जो नया रियलमी 1 फोन रिलीज हुआ है, उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे भी आपको ओप्पो की ही ब्रांडिंग दिखाई देगी। तो ओप्पो को आखिर क्या जरूरत ऐसी पड़ी कि उन्हें एक नया ब्रांड लाना पड़ा? वो पहले से ही इतने पॉपुलर है, चारों तरफ उनके एडवर्टाइजमेंट भी लगे रहते हैं, सब लोग जानते हैं उसको, और ऑफलाइन में तो नंबर 1 है ही। ऑफलाइन मार्केट में तो बेस्ट सेलर फोन जो भी होते हैं वो सारे ओप्पो के ही होते हैं, या फिर इसकी जो सिस्टर कंपनी है वीवो, उसी के ही होते हैं। मतलब पहले से ही इतनी पॉपुलर थी, पहले से ही इनके इतने सारे फोन बिक रहे थे ओप्पो के, तो फिर इनको क्या जरूरत पड़ी? तो जो ऑनलाइन मार्केट है वहां पे जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो है शाओमी। और इंडिया में जो ऑनलाइन का जो मार्केट है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, और इस ऑनलाइन मार्केट पे शाओमी ने अपना पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है, और वो इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड भी बन गया है। और वो कैसे इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बना, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो अगर हम लोग चाइना की बात करें तो वहाँ पे जो ओप्पो और वीवो दोनों ही कंपनीज है ना, वो शाओमी से आगे है, और दोनों के ही फोन जो है वो काफी ज्यादा बिकते और काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन ओप्पो जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर नंबर 1 बनना चाहती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो चाइना का जो मार्केट है वो सैचुरेट हो रहा है। इसका मतलब ये कि वहाँ पे ज्यादा फोन्स चल नहीं रहे हैं, वहाँ पे जो लोग ज्यादा फोन्स को खरीद नहीं रहे हैं, वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबके पास ऑलरेडी एक फोन है और वो इतना अपग्रेड भी नहीं कर रहे हैं। मतलब मार्केट सैचुरेट हो चुका है, वहाँ पे इतने फोन्स नहीं बिक रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो मार्केट है ना, वो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल फोन का मार्केट है। यहाँ पे जितने फोन्स जितनी तेजी से बिक रहे हैं, इतनी तेजी से कोई भी मार्केट में नहीं बिक रहा है। और जितनी तेजी से ग्रो हो रहा है मार्केट, उतनी तेजी से दुनिया में कोई सा भी स्मार्टफोन का मार्केट नहीं है जो इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है। और इंडिया में पॉपुलेशन का एक काफी बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिनके पास अभी तक स्मार्टफोन नहीं है, और धीरे धीरे उस हिस्से तक भी कंपनीज पहुंच रही हैं और अपने फोन्स को ले जा रही हैं। और इंडिया में लोग इतनी तेजी से स्मार्टफोन्स को अपग्रेड कर रहे हैं जिसकी कोई हद भी नहीं है। मतलब लोग नए फोन्स काफी तेजी से ले रहे हैं, और हर कंपनी इसी चीज का फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि जो इंडिया में स्मार्टफोन के मार्केट में जीत गया वो एक्चुअली में वर्ल्ड में भी नंबर 1 हो जाएगा। ऐसा ही कुछ आसुस ने किया शाओमी को हराने के लिए, जब आसुस ने अपना जेनफोन प्रो मैक्स M1 को लॉन्च किया था। वो फोन अपने बजट में काफी अच्छा फोन है और इसलिए लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया। और अब आसुस वेट कर रही है कि शाओमी आखिर क्या लॉन्च करती है आसुस के फोन के कंपटीशन में। और जैसे ही शाओमी अपना कोई नया फोन लेकर आएगी, उसके तुरंत बाद भी आसुस अपना जेनफोन 5 को लॉन्च कर देगी। तो मतलब चूहे बिल्ली जैसा खेल तो आखिर चलता ही रहेगा। लेकिन एक्चुअली में जो शाओमी की जो स्ट्रेटेजी थी जिसने उसे नंबर 1 कंपनी बनाया, वो ये थी कि ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिकेशन दो, और वो भी कम से कम दाम में, और फ्लैश सेल रखो जिससे चारों तरफ हाइप बन जाए, जिससे लोगों को मालूम पड़ जाए कि कैसा फोन है जो बहुत तेजी से बिक जाता है, इसलिए उनके फोन काफी तेजी से बिकते रहे। ऐसा ही अब दूसरी कंपनीज भी कर रही है। अगर हम रियलमी कंपनी के बारे में ही बात करें तो उनका जो रियलमी 1 स्मार्टफोन है वो इसका काफी अच्छा एग्जांपल है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिकेशन कम से कम दाम में दो। जैसे कि उस फोन के अंदर आपको 6 इंच का फुल HD+ का रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये सबसे सस्ता फोन है जिसके अंदर आपको MediaTek का हीलियो P60 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और हाँ, ये जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 636 से ज्यादा बेटर है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा खुद C4 E-Tech के ऐश ने कहा है। तो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही इनका लिंक दिया है, तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और अगर हाइप की ही बात करें तो जो Realme 1 स्मार्टफोन है ना, वो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है, और इसकी कीमत है पूरे 14,000 रुपए। यानी की सबसे सस्ता फोन है जो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, तो एक काफी अच्छी चीज है। और ऑटोमेटिकली इसकी हाइप बन जाएगी क्योंकि इस प्राइस पे इतनी ज्यादा स्टोरेज और इतनी रैम कोई दूसरी कंपनी देती भी नहीं है। और वहीं बात करें इसके जो लोअर एंड वेरिएंट है, वो 3GB रैम 32GB वाला, वो सिर्फ 9,000 में आता है, और उसके अंदर हीलियो P60 प्रोसेसर मिलता है। मतलब सारी की सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, तो 10,000 के अंदर भी स्पेसिफिकेशन के मामले में जो सबसे अच्छा फोन है वो रियलमी का ही है। तो ये भी एक काफी अच्छी हाइप बनाने के लिए काफी अच्छा तरीका है। मतलब ये हो रहा है कि जो दूसरी कंपनीज है वो शाओमी को उसी के ही गेम में हराना चाहती है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिकेशन दो और कम से कम दाम में उसे दो। और रियलमी की भी बात करें ना, तो ये ओप्पो का ही सब ब्रांड है, और इसकी छाप है ना वो इस फोन में दिखाई देती है। जैसे कि ये फोन जो है वो कलर OS पे चलता है, इसके अंदर कई सारी AI की कैपेबिलिटीज भी है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बेसिकली सारी चीजें कैमरास के लिए, क्योंकि इस फोन में जो है वो सिंगल कैमरा है, लेकिन AI की वजह से ये फोन जो है वो पोर्ट्रेट इमेजेस भी ले पाता है। जबकि हम Redmi Note 5 Pro की बात करें तो उसके अंदर पोर्ट्रेट मोड लेने के लिए 2 कैमरास लगे हुए हैं। और हाँ, ये ओप्पो की तरफ से ये फोन आ रहा है, तो ये सेल्फीज भी काफी अच्छी लेगा, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और इसके अलावा AI के स्टिकर्स वगैरह, मतलब AI का काफी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रियलमी काफी अच्छा फोन है और जो ओप्पो के जो दूसरे फोन होते हैं वो काफी बेकार होते हैं। एक्चुअली में जो ओप्पो के फोन होते हैं ना, वो भी काफी अच्छे होते हैं, पर उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि वो फोन काफी महंगे होते हैं, क्योंकि वो ऑफलाइन में बिकते हैं
हैं और ओप्पो जो है वो एडवर्टाइजिंग में काफी ज्यादा खर्चा करती है, लेकिन रियलमी इसका बिल्कुल अपोजिट है। उसके जो एड्स है वो केवल सिर्फ ऑनलाइन तक ही है, वो फ्लैश सेल के थ्रू बिकेगा और उसके लिए ऑलरेडी हाइप बनना चालू हो गई क्योंकि 6GB रैम 128GB वाला स्टोरेज है। और उसकी हाइप बनने का एक और मेन कारण यह है कि लोग उसे अब Redmi Note 5 Pro किलर भी कह रहे हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये बढ़िया फोन है और इसे आपको ले लेना चाहिए, इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि इस फोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नहीं है। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि जो ओप्पो है वो एप्पल की कॉपी कर रहा है, जिस तरीके से एप्पल ने अपने आईफोन 10 में फिंगरप्रिंट स्कैनर को हटा दिया, उसी तरीके से रियलमी के अंदर भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ फेस अनलॉक ही दिया हुआ है। तो ये कुछ सारी बातें भी हैं इस फोन के साथ। चलो अब फोन से हटके कंपनी के ऊपर आते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो ओप्पो है वो अपने रियलमी के साथ पूरी तैयारी में है शाओमी को नंबर 1 पोजीशन से नीचे गिराने के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में और भी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको रियलमी ब्रांड के अंदर फोन्स भी देखने को मिले, क्योंकि अभी तो सिर्फ रियलमी 1 यानी कि सिर्फ एक ही स्मार्टफोन आया है रियलमी कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों आप बताओ नीचे कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि रियलमी रेडमी को हरा देगी, और ये भी बताना कमेंट में कि आप किसकी तरफ हो, रियलमी की तरफ या फिर शाओमी की तरफ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।